तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2023 के तीसरे मैच के बारे में। जी हां दोस्तों, ये मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। जी हां दोस्तों, लखनऊ में, लखनऊ की पिच पे आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पिच कैसी रहेगी, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इस मैच की 6 ग्रैंड लीग की टीमों के बारे में, कैसे आप इस मैच की 6 ग्रैंड लीग की बेहतर से बेहतर फैंटेसी टीम बना सकते हैं, जिससे कम से कम आपकी एक टीम टॉप 10 में या रैंक 1 पे जाए और आपको अच्छा खासा पैसा विन करके ला के दे। अब दोस्तों, मैं ग्रैंड लीग की टीमों पर ही ज़्यादा वीडियोज़ क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उसमें मैक्सिमम लोग ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग ही खेलते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने वोटिंग कराई तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आए, ऐसे उससे पता चला कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग ही खेलते हैं। तो उसी पे मैं अपनी लॉजिकल ग्रैंड लीग की टीम्स लेके आता हूँ। जैसे कि कल के मैच में आपको बता दूँ, मैंने लाइव में बताया था कि दोनों इंडियन प्लेयर यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ और सुमन गिल को कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनाना है, क्योंकि दोनों परफॉर्म करने वाले हैं। जो लोग लाइव देखे थे उनको पता होगा मैंने टीम बना के दिखाई थी कॉम्बिनेशन में, ऋतुराज गायकवाड़ और सुमन गिल को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी जो टीम है पहले ही मैच में बहुत बेहतर रहा। थोड़ा एक दिक्कत ये हुआ कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला, टॉस थोड़ा लेट हुआ और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला। मैं सोच रहा था एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो मैं अपनी ग्रैंड लीग की जो टीम्स होंगी वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तभी मैं टेलीग्राम पर टीम्स नहीं डाल पाया। ठीक है, बाकी दोस्तों टीमें बहुत बेहतर, कल का जो प्रेडिक्शन था बहुत बेहतर रहा। बाकी स्मॉल लीग की अगर बात करें तो स्मॉल लीग में एक तरफा हमने विन किया। रीजन क्या था, हमने वाइस कैप्टन सुमन गिल को कर दिया था। बेन स्टोक्स मुझे पता था, जी हाँ दोस्तों अगर बैटिंग में फ्लॉप होंगे बॉलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, तो बेन स्टोक्स को हमने वाइस कैप्टन नहीं, हमने सुमन गिल को कर दिया और हमने अल्जारी जोसेफ को ले लिया था। बहुत कम लोगों ने अल्जारी जोसेफ को अपनी टीम में रखा था, लेकिन हमने अल्जारी जोसेफ को, ये एक दो चेंज करके हमने स्मॉल लीग और तीन मेंबर चार मेंबर एक तरफा विन किए। जो लोग ज्वाइन किए थे मेरी टीम से सभी लोगों ने विन किए। दोस्तों इस वीडियो में भी मैं तीन मेंबर चार मेंबर की टीम भी लेके आया हूं, वो भी आपको समझाऊंगा दिखाऊंगा। साथ ही साथ स्पेशल हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ग्रैंड लीग पे रहेगा। ग्रैंड लीग की जो टीमें हैं, ग्रैंड लीग के जो कॉम्बिनेशन है वो लॉजिकल कैसे बनाने, जी हाँ दोस्तों लॉजिकल कॉम्बिनेशन कैसे बनाने, अगर एक कॉम्बिनेशन फ्लॉप होता है तो दूसरा रैंक करे, ठीक है, दूसरा फ्लॉप होता है तो तीसरा रैंक करे, मतलब कि कोई ना कोई टीम आपकी रैंक 1 या टॉप 10 में जरूर जाए, तो इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो लगातार चैनल देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, और कुछ लोग चैनल पर नए आए होंगे तो सभी लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लो, आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जो कि स्पेशल ग्रैंड लीग की 6 टीमों पर वीडियोज़ होंगी और कल टीमों पे वीडियोस होंगी। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख लेते हैं एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। अब लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से जो प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी थोड़ी सी पिच पे भी बात कर लेंगे, पिच क्या रह सकती है, किस तरह से स्कोरिंग, कैसा मैच होगा, हाई स्कोरिंग होगा, लो स्कोरिंग होगा। तो ये केएल राहुल और काइल मायर्स उम्मीद है ओपनिंग करते दिखेंगे, क्योंकि क्वेंटन डिकॉक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कायल मायर्स ओपनिंग नहीं करेंगे तो क्या चेंज हो सकता है, ये भी बात करें। के राहुल कायल मायर्स ओपनिंग कर सकते हैं, दीपक हुडा, उसका निकलस पुरन, आयुष बदोनी, मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांड्या, जयदेव नादकट, मार्क बूड, रवि बिश्नोई, आवेश खान, ये प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है। अब यहाँ पे एक चेंज ये हो सकता है, हो सकता हो कि कायल मायर्स ओपनिंग ना करे, टीम चाहे कि मार्कस स्टोइनिस से ओपनिंग करा दे, फिर डैनियल सैम्स को टीम में ले ले कायल मायर्स की जगह। बाकी कायल मायर्स भी तगड़े ओपनर है, ठीक है, यही मौका है कि कायल मायर्स को भी टीम मौका दे सकती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, बाकी जो चेंज होगा मैंने बता दिया, अगर कायल मायर्स ओपनिंग नहीं करें, मार्कस स्टोइनिस को टीम ऊपर खिलाती है तो कहीं ना कहीं फिर क्या कर सकती है, यहाँ पे लाके डैनियल सैम्स को नीचे खिला सकती है, ये चेंज बन सकता है। बाकी मेरे हिसाब से यही प्लेइंग 11 होगी, वो कायल मायर्स ही ओपनिंग करेंगे। अभी के लिए जो हम टीम बनाएंगे, हर चीज़ बनाएंगे वो इसी प्लेइंग 11 पे बनाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं, आवेश खान और जयदेव उनादकट आपको शुरुआत में बॉलिंग करते दिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जयदेव उनादकट आपको इसलिए खेलते दिखेंगे क्योंकि मोहसिन खान इंजर्ड है, तो जयदेव उनादकट ही खेल सकते हैं, उनादकट को ही खिलाना चाहिए। आवेश खान और मार्कबुड आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते दिख सकते हैं, और मार्कबुड के बारे में आप सभी को बताएं बहुत तेज गेंदबाज है,
जी हाँ दोस्तों, बहुत तेज़ गेंदबाज है, लगातार 150 में गेंद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 150 के ऊपर लगातार गेंद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं माकबूल बहुत तगड़े बॉलर रहने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबली प्लेइंग 11 को एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। तो डेविड वार्नर, पृथ्वी शाह कन्फर्म में ओपनिंग करेंगे। तीन नंबर पे मिचेल मास, मनीष पांडे, सरफराज खान, रोमन पॉवेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, चेतन साकारिया, खलील अहमद और मुस्ताफिजुर रहमान, ये प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। अब यहाँ पे भी अगर कोई चेंज होता है, बहुत ज़्यादा चेंज होगा, तो बैटिंग ऑर्डर का चेंज होगा। मान लीजिए मनीष पांडे ऊपर में, मिचेल मास नीचे, ठीक है, या फिर सरफराज खान ऊपर, तो इस तरह से चेंज होगा। बाकी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज ये टीम नहीं करेगी। दिल्ली कैपिटल्स की जो प्लेइंग 11 है वो कहीं ना कहीं यही हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ओपन बॉलर्स में खलील अहमद, चेतन साकारिया आपको शुरुआत में बॉलिंग करते दिख सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी पिच पे स्पिन को हेल्प मिलती है तो अक्षर पटेल भी पावर प्ले में बॉलिंग कर लेते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। मुस्तफिजुर रहमान, चेतन साकारिया, ये आपको डेथ ओवर्स में कंफर्म बॉलिंग करते दिखेंगे। और ओपन बॉलर्स और डेथ बॉलर्स जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ग्रैंड लीग में जो कॉम्बिनेशन जो लॉजिकल टीम्स बनाते हैं उसमें बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, कौन शुरुआत में बॉलिंग करेगा, कौन डेथ में बॉलिंग करेगा। कल की जो हमारी टीमें थी उसमें दोस्तों, ये जो टीम ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन और वाइस कैप्टन सुमन गिल वाली थी, वो टीम बहुत बेहतर रैंक करी थी। तो आपको पता है कोई ना कोई टीम रैंक करती है, क्योंकि मैं लॉजिकल टीमें बनाता हूँ, एक फ्लॉप होगी तो दूसरी रैंक करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब कुछ ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें, तो यहाँ पे जो प्लेयर्स मैंने दिए थे उसमें सुमन गिल का भी नाम था और ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम था। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़, सुमन गिल, दोनों का नाम था। तो डेविड वार्नर और केएल राहुल, मिचेल मास, मार्क वुड, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, मार्कस स्टोइनिस, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड लीग के जो कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं प्लेयर्स में से हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप बना रहे तो इन्हीं प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं। एक नाम मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, वो है पृथ्वी शाह का नाम। ठीक है, तो ये कुछ प्लेयर्स बेहतरीन हो सकते हैं अगर मान लीजिए स्पिन को हेल्प मिलती है पिच पे। ठीक है, तो ये रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों तरफ से ट्राई करना, क्योंकि दोनों ऐसे बॉलर हैं जो तीन तीन चार चार विकेट कई बार लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी स्पिन में अगर हेल्प मिलेगी तो अक्षर पटेल भी फिर खतरनाक साबित हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी। इन प्लेयर्स को आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप एक बेस्ट फैंटेसी ऐप की तलाश में आपको नहीं मिल रहा है तो मैं कहूँगा जाके आप बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। इस पर दोस्तों इस समय चल रहा है एक 5 रियल करके ये वाला डिपॉजिट कोड चल रहा है। अगर आप 10,000 डिपॉजिट करें तो आपको 500 एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये वाला जो कोड है देख सकते हैं, Sports3 करके 3% रियल कैश आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप 100 से 1 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं और 3% रियल कैश का मतलब आपको ऐसा कैश मिलेगा, जी हाँ दोस्तों, जिसको आप पूरा यूज कर सकते हैं, हर एक लीग में यूज कर सकते हैं। तो आपको 3% रियल कैश मिल रहा है, इस समय ये ऑफर है। बाकी बल्लेबाजी को आपको डाउनलोड क्यों करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम रहता है, जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं लगातार खेल रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप 100 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और अदर ऐप पे अगर आप 100 से 60 विन कर रहे हैं तो सेम टीम से यहां पे 80 से 85 विन कर सकते हैं, इतना कम कंपटीशन यहां पे होता है। ठीक है, बाकी यहां पे दोस्तों और तगड़े ऑफर्स में बता देता हूं। यहां पे 39 रुपए में देख सकते हैं 5 लाख की ग्रैंड लीग है। ठीक है, आप ग्रैंड लीग भी खेल सकते हैं 6 टीमों से, जैसे मैं बताता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे कंपटीशन कम है तो यहाँ पे ग्रैंड लीग विन भी हो सकती है आसानी से। बाकी दोस्तों यहाँ पे दो है, ये प्रेडिक्टर का जो फीचर है ये बहुत बेहतर है, प्रेडिक्टर का फीचर बहुत बेहतर है। जैसे लखनऊ दिल्ली के खिलाफ T20 में जीतेगी, हाँ या ना में आपको ट्रेड करना है। कल के मैच में मैंने आपको बताया था कि गुजरात जीत सकती है, गुजरात के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों लखनऊ दिल्ली के खिलाफ पहले ओवर में कितने रन, बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं, आपको सिर्फ हाँ या ना में अपने ओपिनियन देने और आसानी से आप कमा सकते हैं। मैं बहुत कमा रहा हूँ, आपको भी इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, आप जाके बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा। और स्पेशली ये प्रेडिक्टर वाला फीचर एक बार खेल के जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। मैं कहता हूँ बहुत मजा आएगा आपको अगर इस प्रेडिक्टर वाले फीचर को यूज करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टीम की, तो जो मैंने टीम बना के रखी हुई है स्पेशली स्मॉल लीग और 3 मेंबर 4 मेंबर जो मैं बात करता रहता हूँ, तो उसकी जो मैंने टीम बनाई है वो कुछ इस तरह से। हमने केएल राहुल को लिया विकेट कीपिंग सेक्शन से, डेविड वार्नर है, निकोलस पुरन है, दीपक हुडा है, पृथ्वी शाह है, अक्षर पटेल है, मार्कस स्टोइनिस है, मिचेल मास है, आवेश खान है, मार्क वुड है, कुलदीप यादव है, ये दोस्तों हमारी जो है टीम है।
टीम में दोस्तों देख सकते हैं मिचेल मार्श कैप्टन है और केएल राहुल वाइस कैप्टन है, कहीं ना कहीं हमने दोनों सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन रखे। अब जो दोस्तों ये टीम है, ये दोस्तों फाइनल टीम नहीं है, फाइनल जो हमारी स्मॉल लीग या तीन मेंबर चार मेंबर की टीम मिलती है वो मिलती है आपको टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसे कल के मैच में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने बैन स्टोक्स बताया था, वहाँ पे हमने क्या किया था, मुझे लगा कि बैन स्टोक्स जो है बॉलिंग नहीं करेंगे तो मैंने सुमन गिल को वाइस कैप्टन कर दिया और उसी वजह से हमारी विन हो गई और साथ ही साथ हमने अलजारी जोसेफ को भी ले लिया, तो ये कुछ चेंजेस किए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो फाइनल टीम मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाकर फटाफट से जुड़ जाइए। और टीम कहाँ पे बनाइए, बल्लेबाजी पे, बल्लेबाजी को सभी लोग डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डायरेक्ट ग्रैंड लीग की टीम्स के बारे में, तो ग्रैंड लीग की टीमें मैंने बना के रखी हुई है। इसी बात पे जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो का लाइक एम जो है वो सिर्फ 300 लाइक है, तो उम्मीद है सभी लोग फटाफट से 300 से ज़्यादा लाइक कर देंगे। आगे चलते दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की जो पहली टीम मैंने बना के रखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, पहला कॉम्बिनेशन जो बना के रखा हुआ है वो किस लॉजिक पे बनाया, किस तरीके से बनाया, बाकी आप लोग यार थोड़ा कमेंट करके बताया करो कैसी लगी आपको वीडियो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी और मेहनत करता हूँ और बेहतर टीमें बनाता हूँ और बेहतर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ और कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़े और लॉजिक और दिमाग लगाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके यार जरूर बताया करो। ठीक है, तो पहली टीम मैंने बना के रखी है अगर लखनऊ सुपर जायंट, यहाँ पे क्या होती है लखनऊ की टीम, देखिए दोनों टीमों का कंपेरिजन करेंगे तो हमको थोड़ा स्ट्रॉन्ग पक्ष लखनऊ का दिख रहा है, बाकी डिकॉक नहीं है तो हो सकता है उतना बेहतर ना कर पाए, लेकिन दोस्तों दोनों टीमों में स्ट्रॉन्ग पक्ष थोड़ा लखनऊ का है। अब हमने क्या किया, दिल्ली के कुछ प्लेयर्स लिए, मान लीजिए दिल्ली ने पहले बैटिंग करी, आपने देखा कि कल का मैच चेंज करते हुए विन हुआ, तो दिल्ली ने पहले बैटिंग करी, दिल्ली अगर 150 या इससे कम टोटल बना पाती है, 150 या इससे कम टोटल बना पाती है और ज़्यादा विकेट्स दे देती है, ऑल आउट हो जाती है, तो ये सारे बॉलर्स विकेट्स लेते दिखेंगे और इनके पास स्पेशली माकबूड है, आवेश खान है, रवि बिश्नोई है, जयदेव नादकट, इनके पास तगड़े बॉलर्स हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं कायल मायर्स और केएल राहुल, कायल मायर्स बहुत बेहतरीन प्लेयर है, ऐसा नहीं है कायल मायर्स अच्छे प्लेयर नहीं है, कायल मायर्स हिट एंड मिस टाइप है, अगर हिट कर गए तो बड़ी इनिंग खेल जाते हैं, तो केएल राहुल और कायल मायर्स ये दोनों अगर चेंज करते हुए अच्छा कर गए, जी हाँ दोस्तों इनके बीच बड़ी साझेदारी हो गई, तो इस तरह की टीम ग्रैंड लीग में बहुत बेहतर होगी, रैंक कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप ट्राई कर सकते हैं, आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, मैं हर एक मैच में बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, आपको कॉम्बिनेशन खुद से बनाने, ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन जो है खुद से बनाने, लेकिन दोस्तों थोड़ा लॉजिक पे ध्यान रखना है, ये लॉजिक है अगर लखनऊ सुपर जायंट्स बाद में बैटिंग करेगी पहले बॉलिंग करेगी तो इस तरह की टीम बेहतर हो सकती है। बाकी केएल राहुल के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, केएल राहुल फर्स्ट इनिंग में जब इनकी टीम बैटिंग करती है तो ज़्यादा अच्छा करते हैं, सेकेंड इनिंग में थोड़ा चांस कम हो जाते हैं इनके चलने की, बाकी ये तगड़े प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है, आईपीएल में हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पहले मैच में तो तगड़ा परफॉर्म करते हैं, तो पहले मैच में चांसेस है अच्छा करेंगे, तो केएल राहुल कायल मायर्स दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर दिया, ये टीम हमारी टीम नंबर वन रहने वाली है। आप ग्रैंड लीग में अगर रिस्की टीम ट्राई करते हैं तो इस तरह की एक टीम ट्राई कर सकते हैं अगर लखनऊ बाद में बैटिंग करती है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टीम जो मैंने बना के रखी है अगर लखनऊ बाद में बैटिंग करती है, पहले बॉलिंग करती है, तो पहले बॉलिंग करेगी तो माकबूड के चांस होंगे कि माकबूड तीन विकेट लेंगे, अगर लखनऊ पहले बॉलिंग करेगी तो चांस होंगे कि माकबूड तीन विकेट लेंगे, तो माकबूड हमारे वाइस कैप्टन है और आप कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। आप चेंज करते हुए हो सकता हो मार्कस स्टोनिस को टीम तीन नंबर पर उतार दे और मान लीजिए 8 विकेट 7 विकेट इस तरह के स्कोर चेंज हो, 7 विकेट से स्कोर चेंज हो, तो मार्कस स्टोइनिस अगर 2 या 3 विकेट लेके आए होंगे या 1 विकेट लेके आए होंगे और 30-35-40 रन कर देंगे चेंज करते हुए, तो मार्कस स्टोइनिस माकबूड ये वाली टीम हमारी बहुत बेहतर हो सकती है, रैंक कर सकती है ग्रैंड लीग में। जी हाँ दोस्तों, बाकी ये वाली टीम का लॉजिक, सबसे स्पेशल लॉजिक ये है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके एक बेस्ट बॉलर को वाइस कैप्टन और उसी टीम के ओपनर को कैप्टन, जैसा कि कल के मैच की अगर बात करें तो थोड़ा लॉजिक वर्क कर सकता था, अगर आप लोग जैसे मोहम्मद शमी ने 3 विकेट ले लिए तो मोहम्मद शमी वाइस कैप्टन, उसी टीम के बेस्ट ओपनर सुमन गिल को कैप्टन, तो इस तरह का लॉजिक बहुत वर्क करता है यार, बहुत बार वर्क करता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, माकबूड मार्कस स्टोइनिस की जगह के राहुल को कैप्टन कर सकते हैं या फिर कायल मायर्स को कैप्टन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टीम का लॉजिक हो गया, ये टीम नंबर 2 हो गई ग्रैंड लीग की, रैंक करने वाली टीम बेहतर टीम हो सकती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकता है, रैंक कर सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं अगर लखनऊ पहले बॉलिंग बाद में बैटिंग करती है, पहले बॉलिंग करेगी तो माकबूड को कहीं ना कहीं कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना है अगर लखनऊ पहले बॉलिंग करेगी। अब दोस्तों अगली टीम जो मैंने बना के रखी है, कल का जो मेरा जो लॉजिक कल के मैच का वर्क किया था वो ये वाला था कि जो चारों ओपनर्स होते हैं उसमें से 2 ओपनर्स परफॉर्म कर सकते हैं,
जो कि कल ऋतुराज गायकवाड़ सुमन गिल ने किया और वही मैंने स्पेशली आपको बताया भी था कि ऋतुराज गायकवाड़ सुमन गिल को कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनाना है, एक टीम में रोटेट करके बनाना है। तो यहाँ पे हमने दो इंडियन प्लेयर्स केएल राहुल पृथ्वी शाह, इनके चांसेस है कि ये परफॉर्म कर सकते हैं, तो इनको मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर दिया है। एक टीम में आपको जरूर ट्राई करना है, जैसे कल के मैच का लॉजिक था कि ऋतुराज गायकवाड़ और सुमन गिल, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे पृथ्वी शाह और केएल राहुल को ट्राई किया, कुछ इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं करना आपको कॉपी पेस्ट करके जाना, टीम आपको खुद से बनानी, खुद का लॉजिक लगाना है, कॉम्बिनेशन खुद से बनानी है। ठीक है, बाकी मैं आइडिया तो आपको बहुत बेहतर देता हूँ। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई इस तरह से ग्रैंड लीग की टीमें बताने वाला या लॉजिक बताने वाला वीडियो नहीं मिलेगा, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट करके नहीं बताते यार। ठीक है, अच्छा नहीं लगता। तो ये तीन टीमें होंगे, ये टीमें कब ट्राई करनी, जब लखनऊ पहले बॉलिंग बाद में बैटिंग करती है, हाई चांस है। अब दोस्तों लखनऊ अगर पहले बैटिंग करती है तो आपको क्या करना है, पहले तो ये वाला टीम बनाना है आपको। जी हाँ दोस्तों, हाँ एक बात है, लखनऊ अगर पहले बॉलिंग करती है, लखनऊ अगर पहले बॉलिंग करती तब ये वाली टीम बनानी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली अगर पहले बैटिंग करती है तो मिचेल मार्श के बल्ले से बड़ी इनिंग आ सकती है, जिसको हम 60-70, और मिचेल मार्श की फॉर्म भी तगड़ी चल रही, रिसेंट की फॉर्म भी बहुत तगड़ी। अब मान लीजिए दिल्ली अगर 200 प्लस का स्कोर कर देती है कहीं ना कहीं, तो मिचेल मार्श का बड़ा स्कोर आ सकता है। इधर कुलदीप यादव अगर 3 विकेट ले लेते तो इस तरह की टीम बहुत बेहतर होगी, बहुत बेहतर रैंक करने वाली टीम हो सकती है अगर दिल्ली पहले बैटिंग करती है तो। मिचेल मार्श यहाँ पे क्या है, एक बड़ी इनिंग खेल जाते हैं, कुलदीप यादव 3 विकेट लेते, तो इस तरह की टीम आप ट्राई कर लेना कॉम्बिनेशन। अगर केएल राहुल और दोनों फ्लॉप हो जाते हैं, कायल मार्श, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोनी से कुछ प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, ये टीम तब ट्राई करनी जब दिल्ली पहले बैटिंग करती है। ठीक है, देख सकते हैं कॉम्बिनेशन, मिचेल मार्श कैप्टन, कुलदीप यादव वाइस कैप्टन, अगर दिल्ली पहले बैटिंग करती है तो। यार ये जो चार टीमें मैंने बताई हैं ये तब ट्राई करनी, तीन नहीं चार टीमें आप देख लेना। चलिए मैं एक एक करके फिर से दिखा देता हूँ, 1, 2 इस लॉजिक पे जो टीमें, 3 और 4, 5 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, ये 4 नंबर तक टीमें जो है ये आपको तब ट्राई करनी है जब क्या है दिल्ली की टीम जो है पहले बैटिंग करती है। अब टीम नंबर 5 अगर दिल्ली बाद में बैटिंग करती है तो आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन ट्राई करना है जिसको हम हाई रिस्की कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम हाई रिस्की टीम बोलते हैं, ये टीम है जिसमें हमने पृथ्वी शाह वाइस कैप्टन किया, डेविड वार्नर कैप्टन, यानी कि दोनों टीमें, जो टीम बाद में बैटिंग कर रही है उसके दोनों ओपनर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के, अगर मान लीजिए लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत बड़ा टोटल नहीं बना पाए, आयुष वैद्यवनी कुछ स्कोर कर गए, आयुष वैद्यवनी हमारी टीम में, ठीक है, और ये टीम बड़ा स्कोर 140-145 इस तरह का बनाया और उस स्कोर को चेंज करते हो, डेविड वार्नर पृथ्वी शाह ने एक बड़ी साझेदारी कर दी या उस स्कोर को फिनिश कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस तरह की टीम ग्रैंड लीग में बहुत बेहतर हो सकती है, रैंक कर सकते हैं आप, ट्राई कर सकते हैं अगर दिल्ली बाद में बैटिंग करती है। ठीक है, तो इस तरह की टीम ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली हमारे पास खाली अहमद है जिसको कम लोगों ने लिया, मुस्तफिजुर रहमान है, मिचेल मार्श बॉलिंग कर जाते हैं, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, ये टीम बेहतर हो सकती है। बाकी चेतन साकारिया को भी आप ट्राई कर सकते हैं, और वो ट्राई कर सकते हैं मिच मार्श की जगह या फिर अक्षर पटेल की जगह, स्पेशली आप मिच मार्श की जगह, क्योंकि हो सकता है मिच मार्श बॉलिंग ना करें। आगे चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे टीम नंबर जो हमने 6 बना के रखी है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो टीम है, ये जो टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स और केएल राहुल, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ केएल राहुल, जब भी टीम इनकी पहले बैटिंग करती है तो इनके चांस होते हैं कि ये परफॉर्म करेंगे, केएल राहुल परफॉर्म करेंगे जब इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो। केएल राहुल अगर 100 कर जाते हैं, इनकी परफॉर्मेंस आ जाती है 100, 70, 80, 90 इस तरह से कर जाते हैं, और वाइस कैप्टन यहाँ पे रवि बिश्नोई इधर से 3 या 4 विकेट्स ले जाते हैं, तो इस तरह की टीम बहुत बेहतर होगी, रैंक करने वाली टीम होगी, कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी वाइस कैप्टन मार्कबुक भी हो सकते हैं, वाइस कैप्टन भी हो सकते हैं, आदेश खान भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये टीम बेहतर हो सकती है, इस तरह का कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकता है अगर लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बैटिंग करती है तो। केएल राहुल को कई टीमों में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना, क्योंकि चांस होंगे। बाकी रवि बिश्नोई यहां पे वाइस कैप्टन, इस तरह का कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टीमें यहाँ पे हमने जो 2 टीमें बताई, ये लखनऊ अगर पहले बैटिंग करती तो इस तरह की टीमें आपको ट्राई करनी। बाकी यहाँ पे जो मैंने ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करे, ऐसा नहीं करना आपको कॉपी पेस्ट करके सारे कॉम्बिनेशन लगा देने, टीम आपको खुद से बनानी। मैं एक आइडिया दे दिया कौन सी टीम पहले बैटिंग करती तो कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर सकता है, तब कैसी टीम बनानी, कौन सी टीम बाद में बैटिंग करती तब किसे ड्रॉप करना, किसे रखना, ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता देता हूँ आप खुद से टीम बना पाए। बाकी दोस्तों जो मेरे ग्रैंड लीग के फाइनल कॉम्बिनेशन होंगे वो मिलेंगे आपको हमारे
टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन, पूरे कॉम्बिनेशन 6 के 6 नहीं मिलेंगे लेकिन एक या दो या तीन जो बेस्ट मुझे लगेंगे वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए, सभी लोग क्या करो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। बाकी दोस्तों यहां पे एक चीज और है, कमेंट करके जरूर बताइए यार आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही नहीं आ रही, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मेहनत करूंगा। बाकी जिसने भी अभी तक बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, आपको पता है मैं 3 मेंबर 4 मेंबर स्मॉल लीग बल्लेबाजी पे स्पेशली खेलता हूँ, ग्रैंड लीग भी यहाँ पे 5 लाख 10 लाख तक खेल सकते हैं, ठीक है, और ग्रैंड लीग में जीतने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो आप लोग सभी लोग बल्लेबाजी को डाउनलोड करना, स्पेशली जो प्रेडिक्टर वाला फीचर है इसको यूज करके जरूर एक बार देखना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बल्लेबाजी का लिंक मिल जाएगा, सभी लोग डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।